Hey everyone, good morning. Welcome back to Mir Arman with another fresh update of Ramban Flyover. जी हाँ दोस्तों, आपके साथ फिर से एक बारी मैं जुड़ चुका हूँ रामबन से काफ़ी टाइम के बाद। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रामबन फ्लाईओवर अपडेट। ये जो फ्लाईओवर है जिसपे एक जो लेन है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बहुत पहले ओपन हो चुकी थी, तकरीबन एक दो महीने पहले, और जो दूसरी लेन है उस पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप यहां से मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूं कि जो वर्क है किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। इस वाले एरिया में तकरीबन डेक तैयार हो चुका है और इसका आगे का जो एरिया आता है वहां पे स्पांस वगैरह डल रहे हैं, उस ओर हम जाने वाले हैं। फिलहाल आप ये वाले एरिया को चेक करें जहां पे कुछ एरिया में डेक तैयार है, यहाँ पे कंक्रीट हो रहा है, पानी वानी इसको दिया जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल क्लियर यहाँ से विजुअल्स आप देख सकते हैं इस फ्लाईओवर के, यहाँ तक पूरा डेक तैयार हो चुका है इस बीच वाले स्ट्रेच में। हालांकि उस साइड में भी थोड़ा बहुत 500 मीटर तक पूरा तैयार है इसका डेक, यह जहाँ पे एंड इसका होता है, और बीच में जो एरिया रहता है उसमें अभी काम बाकी है। और हमारे बिल्कुल सामने ये जो एरिया आ रहा है यहाँ पे काम चल रहा है, अभी देख सकते हैं आप स्टील बाइंडिंग वगैरह इधर से हो रही है, स्पांस डल चुके हैं और इस पे अब कंक्रीट होना बाकी है। जो कैफेटेरिया मोड़ की तरफ एरिया है वो तकरीबन कंप्लीट है। अभी मैं जा रहा हूँ बानीहाल की ओर, और यहाँ से लेके बानीहाल तक जो भी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं वो सब पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख दें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप चेक कर सकते हैं ये जो फ्लाईओवर का एंड पॉइंट है, यहाँ पे बोथ जो लेंस है कंप्लीट हैं इस वाले एंड पे, वो मैं पहले भी आपको विजिट करवा चुका हूँ। तकरीबन 500 मीटर तक ये पूरा कंप्लीट है और उसके आगे जो भी एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो मैंने आपको दिखाया। तो अभी हम निकल रहे हैं, ये आपके सामने बहुत ही खूबसूरत एरिया है श्री रामबन का, जहाँ के एक और फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रही है। आप इसकी भी अपडेट चेक कर सकते हैं, इस पर स्पांस डल रहे हैं, डेक तैयार होना बाकी है और बहुत ही जल्द हमें इसका भी कंप्लीशन मिल सकता है यहाँ पे। तो आगे और बढ़ते हैं हम, ये जो है पहली टनल आ जाती है हमें बानीहाल की ओर बढ़ते हुए। टनल के एग्जिट होते ही एक और ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रही है और यहाँ इस वाले टनल पे हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी पहले टनल ओपन हो चुकी है ट्रैफिक के लिए, और टनल से एग्जिट होते ही आपको यहाँ पे कट एंड कवर टनल्स कंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। तकरीबन इस वाले एरिया में भी वही सीन रहता है जो कैफेटेरिया मोड़ पे रहता है, यानी कि स्लाइड्स आ जाती हैं और जो भी नीचे काम हो रहा होता है वो डैमेज हो जाता है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लाइड्स आ चुकी हैं और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं कट एंड कवर टनल की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रही थी कैला मोड़ पिया में, यहाँ आप देख सकते हैं ये अब तैयार है, ये इसका जो लास्ट वाला बचता है स्पान डाल चुके हैं, डेक तैयार हो रहा है। तो हमें लगता है कि टनल भी यहाँ पे तैयार है और जल्दी हमें ट्रैफिक मूवमेंट जो है उस ओर से देखने को मिलेगी, और ये देखने वाली बात होगी। अभी यहाँ पे आप चेक करें एक वाटरफॉल, बहुत ही अच्छा हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ एक प्लांट भी लगा हुआ है, क्योंकि इधर पे जो टनल है ट्विन ट्यूब टनल्स कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो एरिया है ये है टिकडॉल का एरिया, इसके मैं पहले भी आपको विज़िट करवा चुका हूँ। तो ये पहाड़ियाँ चेक करें, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से हम चलते हुए ये ओल्ड रोड आपके सामने रहा, ओल्ड NH44 रामबन बानीहाल सेक्टर, और हमारे राइट साइड में भी उस टनल का एग्जिट है जो मैंने आपको पीछे दिखाया। तो एग्जिट यहाँ पे होने वाला है इस टनल का, दोनों साइड से काम चलता हुआ। अभी हम पहुँच चुके हैं काफ़ी हाइलाइटेड एरिया पंठियाल की लोकेशन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टनल कंस्ट्रक्शंस जो थी वो चल रही है हमारे राइट साइड में, और यहाँ आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। यह तो ये वाला टनल तो कम्प्लीट है, हालांकि जो पीछे का एरिया है वहाँ पे टनल कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं इस एरिया में भी, और जो डेंजरस स्लाइड आती थी वो अब इस टनल की वजह से बाईपास हो जाती है। तो ये टनल काफ़ी अच्छी बनी यहाँ पर, और टनल के एग्जिट होते ही मगरकोट का एरिया हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने ब्रिज, ये NH44 पे हाईएस्ट ब्रिज है, हालांकि ये दो ब्रिज हैं, अगली साइड भी दूसरा ब्रिज आपको मिल जाता है। हम जहाँ की तरफ अभी डाइवर्ज हो रहे हैं
बहुत ही जल्द हम यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ब्रिज हैं आपके सामने ये कंप्लीट है, तकरीबन अपनी फाइनल स्टेज पे हैं, और बहुत ही जल्द हमें ट्रैफिक मूवमेंट इनके ऊपर से देखने को मिल सकती है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसका एरियल व्यू भी मेरे पास है, अगर मेरे पास रहा तो मैं साइड पे आपको वो भी दिखा दूंगा। इस वाले एरिया, इस लोकेशन का एरियल व्यू है मेरे पास, तो मैं वो भी साइड पे आपको डाल दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ से लगता है। और यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे आगे मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर फ्लाईओवर बहुत ही लंबे एरिया तक बनने वाली है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मगरकोट से लेके बानीहाल तक ये वन साइड में हमें सिर्फ फ्लाईओवर ही देखने को मिलेगी, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही लंबे एरिया पे फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। आपको पिलर्स दिख रहे होंगे सामने काम चलता हुआ, तो इस वाले एरिया में फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, जो कि अभी बहुत ही काम की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा कंप्लीशन यहाँ पे हुआ नहीं है, तकरीबन 40-50% काम हुआ होगा। और इस पूरे जो लेफ्ट साइड में नाला जैसा आपको दिख रहा होगा, इस पूरे नाले के साथ साथ हमें बहुत ही लंबे चौड़े एरिया पे फ्लाईओवर देखने को मिलेगी इन पहाड़ों के बीचों बीच। वाओ, ये चेक करें यार हिल्स, क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से, बिल्कुल ग्रीनरी है। और हमारे बिल्कुल लेफ्ट में आप देख सकते हैं मशीनरी लगी हुई है, पिलर्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं फ्लाईओवर के लिए, और ये ऐसा ही सीन हमें बिल्कुल बानीहाल के पास तक मिल जाएगा। और बानीहाल में भी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, जिस पे मैं ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ आपको। तो ये जो नाला आप देख रहे हैं ना हमारे लेफ्ट में, इसमें भी काम चल रहा है, और यहाँ से भी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन होगी। एक तो फ्लाईओवर वो वाली बनेगी, और जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से रहेगी जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। ये चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया, ब्यूटीफुल विजुअल्स, नाला और दोनों साइड से पहाड़ियाँ, क्या मज़ेदार था व्यू। और इधर देख लें आप, कंस्ट्रक्शन चल ही रही हैं, ये मैं आपको बता रहा था, वन साइड में आप देख सकते हैं काम चलता हुआ। बानीहाल की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके बता दूँ जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं जितने भी एरिया में। तो तकरीबन मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है, कहीं पे फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रही है, कहीं पे टनल्स कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जितना भी मैं कवर कर पाया मैंने आपको कवर करके बताया। आगे भी जो भी आने वाला है सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पीछे मैंने लास्ट एक वीडियो डाला, उस पर मैंने आपको कैफेटेरिया मोड टनल की अपडेट दी थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में रोड बिल्कुल कंप्लीट है, और इस पर मैकडम बिछने वाला है, और फिर हमें शायद ट्रैफिक मूवमेंट उस ओर देखने को मिले। फ़िलहाल तो हम यहाँ से ही देख रहे हैं। अभी जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये एरिया आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक लंबी चौड़ी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो कि तकरीबन फाइनल स्टेज पर है। ये एरिया शेर बीबी का एरिया है, ये जो सामने वाली फ्लाईओवर है बिल्कुल कंप्लीशन की स्टेज पे पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं सिर्फ एंड पे थोड़ा सा काम बाकी रहता है, ये आप चेक करें, ये बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है, विद इन मंथ मुझे लगता है हो जाएगा, और फिर ये ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ज हो सकती है, विद इन अ मंथ हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी जब मैं नेक्स्ट यहाँ से आऊँगा, अगर ये कम्प्लीट हुई तो मैं ज़रूर यहाँ से वीडियो शूट करके आपको बताऊंगा। सामने की ओर एक टनल कंस्ट्रक्ट हो रही है, हालांकि इसका काम कुछ रुका पड़ा है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहां पे कोई मशीनरी देखने को तो नहीं मिल रही है, इन्होंने तो काम यहां पे स्टार्ट करा था कुछ टाइम पहले। यहां भी एक उसी टनल की जो दूसरी साइड है हमारे बिल्कुल आगे, ये देख सकते हैं आप, तो इस ओर भी कुछ काम ज़्यादा दिखता नहीं हमको, वी डोंट नो कि रीज़न क्या है। तो हम पहुंच चुके हैं जी चमलवास एरिया में, बानीहाल पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट है दोनों लेन, ऊपर वाली लेन पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, और नीचे से अभी ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है। बानीहाल में पहुंच चुका हूँ, तो फाइनली थोड़ा बहुत आपको मैं बानीहाल फ्लाईओवर की भी दे सकता हूँ यहाँ से अपडेट, ये देख लें आप। हालाँकि इसका बहुत ही वाइड एरिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ जहाँ से ये स्टार्ट होता है ये आप चेक कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं 4 लेन पर,
और ये जाएगा सीधा रेलवे स्टेशन की ओर। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ज़रूर आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ ही फॉलो कर दें मुझे फेसबुक पेज पे। मिलते हैं आपके साथ किसी नए इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।